हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिनेश मैकेनिकल टेक। तो फ्रेंड्स, आज हम मोटर कपलिंग अलाइनमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो डिस्कस करने से पहले हम बताना चाहेंगे कि अलाइनमेंट में डायल गेज का यूज करना है। अब डायल गेज का यूज करना है, उसका लिस्ट काउंट कितना है वो मालूम होना बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि जैसे बर्नियर का लिस्ट काउंट 0.02 mm होता है, उसी तरह डायल गेज का भी लिस्ट काउंट 0.01 mm होता है। ठीक है, एक्चुअली हमारे पास डायल गेज है, इसमें से वन राउंड जैसे जीरो से स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होते हुए जैसे वन राउंड कंप्लीट करेगा तो ये 1 mm कवर करेगा। तो यहाँ पे डायल गेज में उसका लिस्ट काउंट दिया हुआ रहता है, आप देख सकते हैं ऊपर में दिया हुआ है 0.01 mm। ये हमारा डायल गेज का लिस्ट काउंट है। अब लिस्ट काउंट बोलने का मतलब ये है कि जैसे 0 से लेकर 10 के बीच में 10 लाइन है, यानी एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच का डिस्टेंस जो है वो हमारा 0.01 mm है। हमारी बात आपको समझ में आ रही होगी कि एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच का गैप जो है, जो डिस्टेंस जो है वो 0.01 mm होता है। तो जैसे 0 से लेकर 10 mm तक अगर मूवमेंट हो, तो यहाँ से 0 से लेकर 10 तक का डिस्टेंस जो होगा, वो जो एरर आएगा तो वो आएगा 0.10 mm, क्योंकि लिस्ट काउंट हमारे पास है 0.01 mm। 0.01 mm मल्टीप्लाई 10 लाइंस, यानी 0.10 mm। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आप लोग को अलाइनमेंट दिखाना है। जैसे यहाँ पे हम रेडियल और एक्सियल अलाइनमेंट का डिस्कस करेंगे। ये ऊपर वाली जो डायल गेज है, इसमें से हम रेडियल का रीडिंग लेना है, और बॉटम में जो लगाए हैं इसमें हम एक्सियल ये फेस, ठीक है, रेडियल आउटसाइड का फेस जो है। तो फर्स्ट हम रेडियल का अलाइनमेंट हम दिखाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, डायल गेज को पहले हम जीरो पे सेट करते हैं और एस्पोल का मोमेंट करते हैं। कभी कभी एस्पोल का मोमेंट ना हो और जीरो दिखे तो उसमें रीडिंग गलत आती है, इसलिए हमें एस्पोल का मोमेंट करके चेक करना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, टॉप पे मैं जीरो ले लिया, उसी तरह टॉप पे जीरो लिया है तो इसको हम दो डायरेक्शन में मोमेंट कर सकते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज पे लेंगे। तो जैसे जीरो है, यानी यहाँ पे जीरो डिग्री का एंगल पे है, अब इसको हमको क्या करना है कि 180 डिग्री का एंगल पे लेना है। ये एक तरह का सर्कल है, आप सर्कल को दो भागों में आप डिवाइड करोगे तो यहाँ जीरो डिग्री एंगल है तो यहाँ पे 180 डिग्री एंगल होगा। तो यहाँ पे कितना होगा, सपोज इधर से अगर हम क्लॉक वाइज लेंगे तो यहाँ पे जीरो डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 180, यहाँ पे 270 एंड अगेन 360। ठीक है, तो जीरो डिग्री पे हम ले रहे हैं, इसका रीडिंग तो जीरो है। अब हम आ जाएंगे 180 डिग्री पे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका मोमेंट जीरो से लेकर 90 की तरफ जा रहा है, यानी माइनस पे जा रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा जो 180 डिग्री पे यानी वर्टिकल एक्सिस पे बॉटम का रीडिंग भी जीरो ही आ रहा है, यानी हमारा अलाइनमेंट जो है रेडियल टॉप और बॉटम का वो परफेक्ट है। अब फ्रेंड्स बात करेंगे हम एक्स एक्सिस की, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन की। ठीक है, इधर अगर जीरो है तो इधर 180 होगा। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम सेट करेंगे फिर से जिस तरह पहले हम आपको दिखाया टॉप पे करके, जीरो पे सेट करेंगे। जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जीरो सेट किया, अब इसको हमको एक्स एक्सिस में लेके जाना है। देखिए फ्रेंड्स, जीरो से मूवमेंट होते हुए प्लस की ओर जा रहा है, और प्लस पे जाते हुए आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, टोटल 14 लाइन क्रॉस हुआ है, 14 लाइन पे खड़ा है, यानी 0.01 इंटू 14, यानी 0.14 इसका रीडिंग आया। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि रेडियल अलाइनमेंट जो हम किए हैं इसका क्या रीडिंग है बोल के। अब बात करेंगे एक्सियल का।
एक्सियल बोले या एंगुलर रीडिंग, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसको भी हम टॉप से ही स्टार्ट करेंगे। टॉप से लेने से क्या होता है ना, इजीली हो जाता है रीडिंग को। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे इसको हम जीरो पे सेट कर रहे हैं और स्पूल का मोमेंट करना है, ठीक है। तो देखिए जीरो पे ही आ रहा है, यानी कोई एरर नहीं है। अब टॉप पे लिए एक्सेल का जीरो वैल्यू है। अब देखिए इसको हम बॉटम पे लेके जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज का डायरेक्शन में, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे जैसे रोटेट किया, मैं रोटेट करते हुए 180 डिग्री के एंगल पे लेके आया, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स तीन लाइन पे आई है, 1 2 3, है ना। यानी फ्रेंड्स 3 लाइन्स मल्टीप्लाई 0.01, ओके, दैट मीन्स 0.03, ओके, 180 डिग्री का एंगल पे। अब फ्रेंड्स बात करेंगे एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आ रहा है हमारा वैल्यू जीरो, ओके। और इस साइड फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, ये देखिए यहाँ मेरा वैल्यू आ रहा है एक्स एक्सिस का -03, ओके फ्रेंड्स। तो बड़ी मेहनत के साथ ये वीडियो मैं बनाया और फर्स्ट टाइम वीडियो बनाया। अगर को अच्छा लगे तो इस वीडियो को दोस्त और फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें, और हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको आगे का वीडियो जो भी टेक्निकल रिलेटेड मेरे से हो वो आप देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।